पीएसएल फाइनल से पहले टिकट्स खरीदने के लिए बैंकों के बाहर खिड़की तोड़ रश। गुलबर्ग ब्रांच के बाहर शाइकी ने क्रिकेट और पुलिस में हाथापाई। धक्कम पेल, रेंजर्स को बुलवा लिया गया। बदनजमी करने वाले चार नौजवान गिरफ्तार। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। टिकटें सिर्फ चंद घंटों में ही फरोख्त हो गईं। वेबसाइट पर सोल्ड आउट का बोर्ड लग गया। अब आपने 500 के टिकट्स के लिए पंजाब बैंक की ब्रांचों का रुख किया तो वहां भी हाउस फुल के नोटिस। टिकटें लेकर ही घर जाएंगे, शायकीन भी डट गए, कई दीवाने धरने पर बैठ गए। फर्स्ट टिकट जो है ना मैंने वो ली है। इंशाल्लाह मैं इतवार को मैच पूरे वलवले से देखने जाऊंगा। इंशाल्लाह इतवार को हम जाएंगे। पीएसएल फाइनल का टिकट तो लॉटरी का टिकट हो गया। जिसको मिला वो खुशी से झूम उठा, जिसे ना मिला वो अफसरदा। टिकटें ब्लैक में फरोख्त होने की शिकायत पर टिकटों की फरोख्त, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वजीर आला पंजाब को टेलीफोन। पीएसएल फाइनल की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवा दी। वजीर आला पंजाब की जानिब से तावन पर शुक्रिया अदा किया गया। कोरिया ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में जगह पक्की कर ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर जर्मी को एक रन से शिकस्त थी। पेशावर जर्मी के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका होगा। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। फाइनल के लिए कोयटा ग्लैडिएटर में शामिल चार गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से माजरत कर ली। पीएसएल इंतजामिया का नए खिलाड़ियों के लिए नई ड्राफ्टिंग का फैसला। जो इनकार करेगा उसकी जगह लेने के लिए कई खिलाड़ी तैयार। पाकिस्तान को तनहा करने की दुश्मन की साजिशें नाकाम। इस्लामाबाद में वजीर आजम नवाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के एजाज में जोहराना। वजीर आजम ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। पायदार तरक्की और अमन के लिए बाहमी रवाबित का फरोग जरूरी है। वजीर आजम का इक्तसादी तआवुन तंजीम के 13वें सरबराह इजलास से खिताब। बीस हजार में दरामद होने वाला सन्स अब 2.5 लाख में नहीं बिकेगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नया फॉर्मूला दे दिया। सन्स की दरामदी कीमत पर मुनाफे की शरह ज्यादा से ज्यादा 50% तक होगी। 92 न्यूज़ के मामला उठाने पर सन्स की कीमतों को ब्रेक लग गई। कोयटा में करप्शन केस में साबिक सूबाई वजीर असफन यार काकड़ गिरफ्तार। नैब ने साबिक वजीर खुराक को जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया। साबिक सूबाई वजीर पर 2 अरब से जायद की गंदुम की खुर्द बुर्द का इल्जाम है। कराची पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। फरवरी के 28 दिनों में 34 शहरी गोलियों का निशाना बने। 16 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीनी गयी, 95 चोरी हुई। शहरी 134 मोटरसाइकिलों और 1000 मोबाइल फोन से महरूम हुए। सीपीएल की रिपोर्ट में इंकशाफ। जानवरों की बीमारी रानी खेत ने फिर सर उठा लिया। थर में रानी खेत से 20 मोर हलाक। बीमारी से मोरों के बच्चे ज्यादा मुतासिर हुए। वाइल्ड लाइफ हैदराबाद की टीम का थर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। फील्ड अफसरान से वजाहत तलब कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया में होने वाले मुजाहिरों से खौफजदा। दौरा बरतानिया अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। ट्रंप का दौरा मंसूख करवाने के लिए 17 लाख अफराद ने ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत किए थे। और पतझड़ का मौसम खत्म होते ही बागों में फूलों की बहार। रंग बिरंगे फूलों ने फिजा को मसहूर कुन खुशबू से मुअत्तर कर दिया। फूलों से मोहब्बत रखने वालों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे।